श्याम पालीवाल ने गणपति वंदना के साथ भजन संध्या का आगाज किया, उसके बाद गुरु महिमा पेश की, जिसमें कई शानदार भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को भक्तिमय रस में डुबो दिया गया। वहीं बीच बीच में उन्होंने प्रेरक कथाएं सुनाकर लोगों को माता पिता की सेवा करना, गो सेवा करना, दीन दुखियों की सहायता करने की सीख भी दी। भजन संध्या के दौरान गायक कलाकार जोग भारती ने भी एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। नृत्य कलाकार पिया भाटी, सुमन, रवि बंजारा, रविंद्र सेठ भजनों पर शानदार नृत्य पेश कर सभी को झूमने पर मजबूर कर रहे थे। वहीं विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन राजू माली ने किया। चमत्कारी मां बायूसा माताजी मंदिर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महंत नारायण भारती महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य को समय भी अपना जीवन भक्ति में लगा दे तो जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रेमवती मैया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी अमर है। भारतीय संस्कृति की अबाध परंपरा के निर्वहन की आवश्यकता जताई। जिस घर में गाय पालन के लिए जगह नहीं हो तो उसे गौशाला में गो माता की सेवा करनी चाहिए। गो माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। भक्ति संध्या के दूसरे दिन रविवार को महाप्रसादी का आयोजन व धर्म सभा आयोजित की गई जिसमें आसपास के क्षेत्रों से कई भक्तों ने भाग लिया। इस दौरान महंत नारायण भारती जी महाराज वरिया मठ बालोतरा, महंत महामंडलेश्वर रवि शरणानंद गिरी महाराज लालावाड़ा पालनपुर, महंत उम्मीद गिरी महाराज मीठा मठ, महंत पारस भारती महाराज वालेरा मठ सोमगिरी, गोविंद वन भाटा व जालोर पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल सहित आसपास क्षेत्र के माता के भक्त मौजूद रहे। Yeah, 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 yeah